आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से काजीवाड़ा घाटी क्वार्टर्स के बीच के अंदर। यहाँ पे ये काजीवाड़ा और घाटी क्वार्टर्स के बीच का रास्ता है और यहाँ पे कुछ दिनों पहले महानगर पालिका ने एक चैम्बर लाइन फोड़ दिया है यहाँ पे काजीवाड़ा का, और इसकी वजह से यहाँ पे क्वार्टर्स के अंदर ही पानी, यहाँ के चैम्बर का पानी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ के लोगों को काफ़ी आने जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इससे काफ़ी बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ गया है। आइए, हम यहाँ की जनता आज हमारे साथ है, आइए यहाँ की जनता से एक दो शब्द बात करते हैं इस ताल्लुक से। हमारे को यहाँ आने जाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ बहुत गंदी बस आती है और यहाँ पे कैसे छोटे बच्चे गिर रहे हैं और कैसा है, बोलने गए किसी को तो कोई कुछ कुछ कर नहीं रहा यहाँ पर। और कैसे, मैं खुद यहाँ पे गिर चुकी हूँ 8 दिन पहले और पूरे मतलब खराब कपड़े पूरे खराब हो गए थे। हाँ, किया था हमने, 1 महीना पहले भी हुआ था तो हमने कंप्लेंट किया था, वो बोल रहे थे तुम्हारे एरिया का है ऐसा वैसा बोला उन्होंने। ये सब काजीवाड़े का पानी ही पूरा इधर आ रहा, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चे गिर रहे इसमें, बुढ़े बाढ़े घर में डिलीवरी के पेशेंट है, पूरी बास आ रही, बच्चों को बीमार गिर रहे बच्चे ये 8 दिन से। महानगर पालिका तो दावा करती है कि हमने औरंगाबाद सिटी को स्मार्ट सिटी बना दिया, आपको लगता है काहे की स्मार्ट सिटी करे, जहाँ वहाँ तो चैम्बर फूटे हुए। हाँ, मेडिकल क्वार्टर में देखता ही नहीं कोई, जाके कोई नहीं देखता इधर ये साइड में, 8 दिन से बहुत परेशान है हम। यहाँ के माझी नगर से कौन है वार्ड ये ढगे, वो आए थे कभी देखने के? खाली इलेक्शन के टाइम पे आता, वो बोलता वोट दो मुझे, तुम्हारा क्वार्टर का मेरा कुछ लेना देना नहीं, बस ये बोल के छोड़ देता हूँ। कुछ मंगने को भी गए तो बोलती उस वो साइड हमारी तरफ नहीं आती। इलेक्शन के टाइम के तो नागरागढ़ देवे आते इधर यहाँ तक, वोटिंग करो हमको, ये करो वो करो, कुछ नहीं। बच्चे गिर रहे हैं गाड़ी पे, एक बार गिर गए थे, गंदगी और मच्छर सब हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर, देना चाहिए। इतने दिन हो गए, अभी पहले भी बारिशों में पहले भी ऐसी हुआ था और अभी फिर हो गया है 8 दिन में। बच्चों को उनको ये मच्छर के उसके तकलीफ है, ये बास कितनी छुट्टियाँ ली है इधर, और पूरा चंबर के पानी घरों में पैरा वैसे जाते हैं, बीमारें फैल रहे, फिर उसका कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे महानगर पालिका वाले। महानगर पालिका अधिकारी आए थे देखने के? कोई नहीं आ रहे, हम कंप्लेन भी करे तो कोई आते नहीं, ना कचरा का कोई गाड़ी भी आके कचरा भी उठाते नहीं। राज त्रिभुवन नाम है मेरा, और पिछले 8 दिन पहले वो लोगों ने आके चैम्बर का काम शुरू किए और रोज अलग अलग आंसर दे रहे हमारे को कि हम लेबर लेके आते पर वो लेबर को काम जम रहा नहीं है, और बिल जो फाइल हमने बना के सबमिट किए वो जब सैंक्शन होके आएगा तब देखेंगे। तो ये सारे तकलीफों के वजह से भाई वो जो उन्होंने बुलडोज़र लाके तोड़ दिए और उधर एक बड़ा गड्ढा करके वो ड्रेनेज पाइप का पूरा पानी इधर आ रहा है, और काजीवाड़ा में भी जो लोग रहते हैं उनको भी ज़्यादा तकलीफ है। तो ये पिछले 8 दिन से हम उनको कॉल पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो काटकर साहब है उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुलकर्णी बोल के उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आके हमारी तकलीफ देखो, यहाँ पर आके ये जो गंदगी है वो देखो, बदबू, हर इंसान हमारे घर में का बीमार गिरा है भाई, चाहे तो हम उसके मेडिकल बिल। आपने यहाँ के कोई माझी नगर सेवक से कॉन्टेक्ट किया इस साल? नहीं, उनका जो एक कोई है वो ठेकेदार, उसका नाम क्या नाम है, सुधीर बोल के वो एक ठेकेदार है, तो वो तो हमारे सामने आके बात भी नहीं कर रहे या हमारे को आश्वासन भी नहीं दे रहे कि आम्ही हे काम करूँ किंवा नहीं करणार, ते लांब पळता आहेत। म्हणून हा मागच्या 8 दिवसांपासून ह्या परिसरातल्या काजीवाड़ा क्वार्टर परिसरामधल्या लोकांना जो त्रास होतोय तो त्रास तुम्ही फक्त इथे उभा राहून बघा, ते नगरसेवकाला किंवा जे अधिकारी असतील महानगरपालिकेचे त्यांना मला येऊन। नाव आहे माझी नगरसेवक गंगाधर ढगे। हाँ, उनका वार्ड। मी गेल्या 5 वर्षापासून बघत आहे काजीवाड्यामध्ये ड्रेनेज लाईनची अडचण खूपच आहे, आम्ही सतत दर 15 दिवसाला तक्रार देतोय की लाईन नवीन करा, परंतु ते म्हणते इन्स्ट्रुमेंट बनलेलं आहे आणि 5 वर्षापासून फक्त आम्हाला उडवाउडवीचे उत्तर ते देत आहे की पुढच्या महिन्यात काम होणार, पुढच्या महिन्यात दरवेळेस येतात, थोडंसं चोकअप काढतात, 15 दिवसाला लाईन वापस चोकअप होऊन जाते, परंतु ह्यावेळेस अशी परिस्थिती आलेली आहे, अक्षरशः घरात पाणी घुसलेलं आहे आमच्या। नगरसेवक साहेबाला आम्ही विनंती करतो, ते वार्डात कधीही त्यांना येऊन बघितलं नाही की वार्डाची काय परिस्थिती आहे आणि काय विकास केला त्यांनी, माझा प्रश्न हाच आहे, असा विकास असतो का वार्डाचा? मेरा नाम सचिन खोतकर आहे, घाटी क्वार्टर में रहता हूँ मैं, मेरा घर कोने में रहता है, वहाँ से काजवाड़े में से पूरा पानी भरा है, काजवाड़े के भी नागरिक मेरे साथ में खड़े हैं और यहाँ पे हम 8 दिन से कुलकर्णी साहब महानगर पालिका के अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उन्होंने खाली उनके बता रहे मुझे कि आदमी को कॉल करो, वो आदमी को कॉल करो, उन्होंने आकर खाली देख कर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी इतना हुआ कि गाड़ी के आधे चक्के डूब जा रहे हैं। महानगर पालिका कोई वार्ड अधिकारी या कोई आके गए यहाँ पे? वो थोरात अभिजीत थोरात बोल कर रहे, उन्होंने आके गए, उनसे भी बात करा मैंने। क्या बोली उन्होंने?
उन्होंने सिर्फ आके बता रहे कि हमने ये एजेंसी को काम दिया, वो एजेंसी को काम दिया, ये ला रहे वो ला रहे, सिर्फ ये 8 दिन से वही चल रहा, बाकी कुछ भी नहीं चल रहा। आपकी मांग क्या है महानगर पालिका? महानगर पालिका से मांग ये है कि ड्रेनेज लाइन का पूरा काम कम्प्लीट करे, या तो फिर वो लाइन खराब हो गई तो पूरी लाइन नहीं डाले। तो आज आपने देखा हमने काजीवाड़ा और यहाँ पे क्वार्टर्स की आम जनता से बात की है और आम जनता यहाँ पे काफ़ी तरस नजर आ रही है क्योंकि 8 दिन पहले यहाँ पे महानगर पालिका के अधिकारियों ने यहाँ पे काजीवाड़े की चैम्बर लाइन का काम रिपेयर काम चालू किया और उधर और उसे अधूरा छोड़ के चले गए हैं। उसकी वजह से तमाम चैम्बर का पानी काजीवाड़े के अंदर भी जा रहा है और यहाँ पे क्वार्टर्स के अंदर भी यहाँ पे आके जमा हो रहा है, इससे काफ़ी बीमारियाँ फैलने का अंदेशा। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।